Hello, Namaste, and welcome back to my channel Curly Creations. So today we are going to learn this beautiful resin wall clock. So yes, without any wastage of time, let's jump into the video. So first of all, I'm taking this MDF wall clock cutout, and then I'm going to cover this MDF with white gesso. जैसो के ड्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ MDF के कटआउट्स ले रही हूँ, जिसे कि मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया है। जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं उसे भी मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट से ही पेंट कर दिया। देन बारी आती है रेजिन आर्ट की। उसके लिए मैंने 2:1 की रेशियो में रेजिन को अच्छे से मिक्स कर दिया है एंड उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रेजिन के एक पार्ट में मैंने डाली है अल्कोहल इंक एंड एक पार्ट में मैं डालूंगी वाइट एक्रेलिक कलर। वाइट एक्रेलिक कलर डालने के बाद हमें रेजिन को अच्छे से मिक्स करना होगा, बिकॉज रेजिन जो है एक्रेलिक कलर के साथ जल्दी मिक्स नहीं होता। एंड रेजिन अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम उसे क्लॉक के सेंटर में पोर कर देंगे। सेकेंड लेयर के लिए मैं यहाँ पर रेजिन के अंदर पिंक एल्कोहल इंक मिक्स कर दूँगी एंड वाइट रेजिन के आउटर सरफेस पे हम अल्कोहल इंक रेजिन को पोर कर देंगे। सेकेंड लेयर पोर करने के बाद मैं इसको आपस में मर्ज करने के लिए हेयर ड्रायर की हेल्प लूँगी एंड ड्रायर को क्लॉक के सेंटर में चलाकर इन दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर दूँगी। देन फॉर थर्ड लेयर हम जो बची हुई रेजिन है उसके अंदर 1-2 ड्रॉप अल्कोहल इंक के अगेन मिक्स करेंगे, सो दैट जो शेड है वो थोड़ा और डार्क हो जाए। क्लॉक के ऊपर अच्छे से रेजिन स्प्रेड हो जाने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये कुछ रेड क्रिस्टल्स। दीज आर फ्रॉम इट्सी बिट्सी। लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन क्रिस्टल को जो क्लॉक का मोस्ट आउटर सरफेस है उस पर मैं इस तरह से रख दूँगी एंड जैसे जैसे रेजिन ड्राई होता जाएगा ये क्रिस्टल्स जो हैं उसमें चिपक जाएंगे। सो येस, आई वॉन्ट टू गिव यू अ टिप। जब भी आप रेजिन वर्क करें तो अपना जो प्रोजेक्ट है उसके नीचे प्लीज़ कुछ बिछा लीजिएगा, अदरवाइज़ मेरी तरह आपका भी जो सरफेस है वो ख़राब हो सकता है। ओके, सो आफ्टर 24 आवर्स हमारा रेजिन जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब बारी आती है क्लॉक को असेंबल करने की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेजिन के कोई भी काम करने से पहले आप नीचे सरफेस पे कुछ बिछा लीजिएगा, अदरवाइज़ इस तरह से आपका भी जो प्रोजेक्ट है वो ख़राब हो सकता है। ओके, सो क्लॉक की बैक साइड पे हमने जो है वो मशीन फिट कर दी है एंड फ्रंट साइड पे हमें आर हैंड लगाना है सबसे पहले एंड देन मिनट हैंड। जो सेकेंड हैंड है वो हम नंबर फिक्स हो जाने के बाद लगाएंगे। क्यों बाद में लगाएंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, सो जो घड़ी का बैक साइड होता है जहाँ पे हम घड़ी हैंग करते हैं, सेम उसी पोजीशन पे हमें फ्रंट पे घड़ी के मार्क लगाना है एंड उस पोजीशन पे हमें 12 नंबर को सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देना है। यू कैन यूज एनी अदर एडहेसिव ऑल्सो। ओके, तो 12 नंबर तो हमें पता चल गया हमें कहाँ लगाना है। अब बारी आती है नंबर 1 की। नंबर 1 हमें किस तरह से पता चलेगा उसका भी बहुत इजी वे है। हमें क्या करना है, हमें मिनट हैंड को पूरा एक राउंड रोटेट करके देखना है, जहाँ पे फिर उसके बाद आर हैंड हमारा शो करेगा पॉइंट, वो जो पोजीशन होगी वो हमारा नंबर 1 होगा। तो कुछ इस तरह से हमारा नंबर 1 जो है वो फिक्स हो गया। तो इसी तरह से मैं आपको नंबर 2 भी फिक्स करके दिखा देती हूँ। अगेन हमने मिनट हैंड को पूरा राउंड लगवा कर 12 पे लेकर आए एंड जहाँ पे भी पॉइंट हमारा आर हैंड करेगा वो पोजीशन होगी हमारा नंबर 2। इसी तरह से मैंने 11 तक सारे नंबर फिक्स कर लिए हैं। नंबर स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ सिलिकॉन ग्लू की हेल्प ली है। यू कैन यूज़ एनी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव। तो नंबर तो हो गए हैं हमारे स्टिक। अब बारी आती है सेकेंड हैंड की। सेकेंड हैंड भी हम लास्ट में फिक्स कर देंगे एंड सभी हैंड्स को 12 नंबर के ऊपर लाकर इसकी बैक साइड पे बैटरी इंसर्ट कर देंगे।
तो लीजिए, हमारी घड़ी तो चलने लग गई है बट ये अभी भी अधूरी लग रही है, तो इसके साइड्स पे मैंने यहाँ गोल्डन कलर से पेंट कर दिया है सो दैट ये नंबर्स के साथ मैच हो सके। तो लीजिए, हमारी घड़ी भी एकदम पेंट होकर सूख चुकी है, बट हमने इस पर पेंट किया है तो इसका उतरने का ख़तरा है, इसके लिए हम इस पर एक कोट वार्निश स्प्रे कर देंगे। एंड वार्निश स्प्रे हो जाने के बाद हमारी घड़ी एकदम रेडी है। सो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।